मंगेशकर की पुण्यतिथि पर हर भारतीय के मन में उपजे सवालों का जवाब लेके आया है रफ्तार। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निकिता पांडे और आज मैं आपको बताऊंगी कि कुंवारी लता किसके नाम का लगाती थी अपनी मांग में सिंदूर। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आइए चलते हैं। भारत में कई सदियों तक अपनी आवाज और अपने अंदाज से लोगों के दिलों में राज करने वाली स्वर कोकिला के नाम से जानी जाने वाली लता मंगेशकर जी की आज पुण्यतिथि है। लता मंगेशकर को बहुत से लोग लता दीदी के नाम से जानते हैं। उनकी कंठ से निकले हुए गीत आज तक लोगों के दिलों में रचे बसे हैं। हालांकि लता मंगेशकर का स्वर्गवास आज के दिन 6 फरवरी 2022 को हो गया था, लेकिन उनकी कहानियां, उनके गाने और उनसे जुड़े कई किस्से आज भी लोगों के बीच में सुनने को मिलते हैं। हर भारतीय को संगीत की दुनिया की इस महान गायिका और अपनी आवाज के कारण इन बुलंदियों पर पहुंचने वाली लता दीदी पर आज भी गर्व है। लता दीदी के जिंदगी से जुड़ी कई बातें ऐसी हैं जिनके विषय में लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसा ही एक सवाल है जिसकी जिज्ञासा हर व्यक्ति के मन में निरंतर बनी रहती है। वह सवाल यह है कि लता दीदी कुंवारी होने के बाद भी सिंदूर क्यों लगाती थी। एक बात तो आप सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर हमेशा से कुंवारी रही है। छोटे से लेकर बड़े होने तक उनका रिश्ता लोगों से कम और संगीत से ज्यादा रहा है। ऐसे ही किसी एक इंटरव्यू में जब लता मंगेशकर से मांग में सिंदूर लगाने का राज पूछा तो उनका जवाब इंटरव्यूअर को शांत कर गया। लता दीदी ने सिंदूर वाले सवाल के जवाब में मुस्कुराते हुए कहा कि संगीत मेरा सब कुछ है, संगीत नहीं तो मैं भी नहीं, और ये मांग में जो मैं सिंदूर भरती हूँ, लोग कहते हैं कि ये पति परमेश्वर के नाम का होना चाहिए, तो मेरे लिए पति और परमेश्वर, भगवान, गॉड, सब कुछ जो कुछ भी है वो संगीत ही है, उसी के नाम पर सिंदूर मैं अपनी मांग में भरती हूँ। इस वीडियो पे आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल रफ्तार को फॉलो करना ना भूलें। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।